हेलो दोस्तों, इसका मॉडल है रेडमी 9 प्राइम और आपके पास में दूसरा मॉडल भी हो सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। मेरा ये फुल वीडियो देख लो, आपका दूसरा फ़ोन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, नो सर्विस, नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नो सर्विस। और आपके पास में 9 पावर भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, पोको भी हो सकता है, मॉडल से कुछ दिक्कत नहीं है, मॉडल से कुछ मतलब नहीं है। और ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, आपको बहुत ही आसान तरीका दिखाएगा अभी इस वीडियो में कैसे रिपेयर करना चाहिए। और मेरा ये तरीका यूज़ करेगा आप तो आपका 100% नेटवर्क सॉल्व हो जाएगा, जो प्रॉब्लम है नेटवर्क का वो सॉल्व हो जाएगा। और अभी का सेट में ना WTRIC नहीं होता है, वो पहले पुराना ज़माने में था, अब नहीं है, WTR चला गया। तो दोस्तों, फटाफट सारे इसके ऊपर निकल के फिर आपको दिखाएगा कहाँ पे इसका फॉल्ट होता है, कैसे रिपेयर करना चाहिए A to Z। फुल वीडियो देखना दोस्तों, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिए फुल वीडियो देखने का, जब टाइम मिले तब जाके देखो। ठीक है, अभी टाइम नहीं है तो छोड़ दो, बाद में फुल वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सारे कैमरे को निकल दिया है ना। अब आते हैं नेटवर्क IC का, यहाँ पे इस टिने के अंदर में रहता है नेटवर्क IC, तो इसको कोशिश कीजिए आप लोग कटर से निकलने का। ब्लोअर से भी निकलता है, ट्वीजर से भी निकलता है, और किसी किसी भाई तो हाथ से निकल देता है ना, तो लेकिन कोशिश कीजिए कटर से निकलने का, ये बेस्ट होता है। मतलब मैं भी तो पहले एक ट्वीजर से निकलता था, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये कटर खरीदने के बाद में बहुत अच्छा हो गया, अभी कटर से निकलने में बहुत ही मज़ा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये जो 2G IC है ना, आपको दिखाएगा अभी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे ये हो गया 2G IC, और इसका 4G 3G IC इस नेक के अंदर में रहता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, 4G IC जो है ना, इसको चेंज करना चाहिए। और ये IC अगर आपके पास में सेम नंबर का नहीं होता है तो कौन सा नंबर चलेगा इसमें, ये दिखाएगा आपको। तो दोस्तों ये हो गया 4G IC, इसको अभी आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएगा अच्छा से, बहुत ही अच्छा से दिखाएगा, और इसका नंबर कितना है वो भी दिखाएगा। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले इसका नंबर देख लो, VC7643 है ना, आपने नंबर देख लिया होगा। और इसको अभी फटाफट चेंज करते हैं, निकलते हैं। और WTRIC जो होता है ना, अभी का सेट में नहीं है, वो भूल जाइए WTR, अभी का सेट में आ रहा है MT6177, और भी बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन WTR अभी नहीं है, अभी चला गया WTR। WTR का ज़माना ख़त्म, अब आ गया इस तरह का ज़माना। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले नंबर 77645, ये IC लगाने वाला है अभी, और ये IC 100% वर्किंग करता है, आप लोग एक बार ट्राई कर लो। एक बार ट्राई कर लो, 100% काम करेगा। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ये IC पहचाने के बाद में अगर आपका नेटवर्क नहीं आता है तो आपको 2G IC जो है ना, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर फ़ोन में ये 4G IC चेंज करने से नेटवर्क आ जाता है, अगर बाई चांस नहीं आता है तो आपको 2G IC को भी चेंज करना पड़ेगा। और ये जो आप लोग WTR IC बोलते हैं ना, ये IC ख़राब नहीं होता इस फ़ोन में, क्योंकि इस फ़ोन में WTR IC होता ही नहीं है, MT6177, ये मीडियाटेक का IC है। अभी नेटवर्क नहीं आता है तो ये 2G IC जो है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे, और मेरा ख्याल से नेटवर्क आना चाहिए। तो देखते हैं, फटाफट ऑन करके देखते हैं।
अभी मोबाइल को ऑन करेंगे और बैक पैनल डाल के फिर सिम लगा के चेक करते। और इसमें आईसी चेंज होने के बाद में 2-4 सेकंड 5 सेकंड ले सकता है नेटवर्क आने में, ठीक है, क्योंकि हम लोग दूसरा आईसी डाल दिया है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं कितना देर में आता है नेटवर्क। वाओ, यहाँ पे देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, 4 सेकंड या 5 सेकंड ले लिया होगा, नेटवर्क आ गया, ठीक है। तो अभी कॉल करके देखते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है फेक नेटवर्क आता है, कॉल नहीं लगता है। तो इसमें 4G LTE-4G सब कुछ तो आ गया, अब कॉल करके देखते हैं। वाह, यहाँ पे कॉल भी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देख लो सेकंड भी आ रहा है ना, यहाँ पे देख कॉल हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।